मुन्ना, मैंने मैंने तुझे मारने की कोशिश की है मुन्ना, बार बार मारने की कोशिश की है, बहुत घिनौनी हरकत की है मैंने, क्यों नहीं समझ पा रहा है तू? मैं मुझे सब समझ में आ रहा है, आपने अपनी मर्जी से मुझे नहीं मारना चाहा, आपके एक बेटे ने आपको मजबूर किया आपके दूसरे बेटे को मारने के लिए, पर आप मां हो ना, मना नहीं कर पाई हूं भी, पर मां ना मैं आपसे बहुत नाराज हूं, मतलब आपको ये सब करने की क्या जरूरत थी? अरे अपने मुन्ना को एक बार सच बोला होता, मैं खुद जहर लाकर पी जाता आपके लिए। नहीं मुन्ना, नहीं। आपको क्या लगा था कि इस सबके बाद में मैं आपको भूल जाऊंगा, आपको छोड़ दूंगा? मतलब एक जहर की घूंट से मैं वो प्यार भूल जाऊंगा जो आपने मुझे बचपन से दिया? एक बेटा अपनी मां को कभी भूल ही नहीं सकता, कभी। सौतेली मां मुन्ना, सिर्फ मां। पता है मां, ऐसा कहा जाता है कि भगवान हर जगह मौजूद नहीं हो सकते, पता है, इसीलिए भगवान ने मां को बनाया ताकि उनका भार कम हो जाए, इसलिए मां को भगवान का दर्जा दिया जाता है। और मां कभी भगवान सौतेले नहीं होते, वो अपने होते हैं, जैसे आप। मैं नहीं हूं मुन्ना तेरी, नहीं हूं। बार बार तुझे मारना चाहा, बार बार तुझे तकलीफ दी, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने तुझे जन्म नहीं दिया। मैं तेरी नहीं हो सकती मुन्ना। मां, मुझे जिसने जन्म दिया उसका नाम तो मुझे कल पता चला है, मैं तो बस एक मां को जानता हूं, बस एक, वो हो आपने जो कुछ भी किया ना, वो हालातों में मजबूर होकर के किया, मतलब इन 26 साल की ममता को एक हादसे की वजह से नहीं मिटने दूंगा। आपके ये आंसू गवाह है मां कि आपके मन में मेरे लिए कोई मैल नहीं है। मां मैं कैसे आपको प्यार करना छोड़ दूं, बताओ। मां शब्द का मतलब मैंने आपसे सीखा, मेरी पहली दोस्त थी आप, मेरी पहली गुरु थी आप, मैं कैसे आपको भूल जाऊं? आप मेरी दुनिया, और कोई भी मेरी दुनिया मुझसे छीन नहीं सकता है, आप भी नहीं। और आप मुझे ऐसे कैसे छोड़ के चली गई? आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकती हूं मां, आप नहीं जा सकती, बस। मैं तेरे इस प्यार के लायक नहीं हूं मुन्ना, नहीं हूं मैं। इसीलिए अच्छा होगा बेटा तू मुझे जाने दे। किसने कहा मेरे प्यार के लायक नहीं? आपके मुन्ना को आपसे प्यार करने का पूरा हक है। वो क्या है ना मां, बच्चे गलत हो सकते हैं, पर मां मां हमेशा सही सही थी, सही है और सही रहेगी, वो कभी बुरी नहीं हो सकती, कभी नहीं। मुझे माफ कर दे बेटा। प्लीज ऐसा मत बोलो। मुझे माफ कर दो नीति, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। माँ बाप आशीर्वाद देते हुए अच्छे लगते हैं, माफी मांगते नहीं। अभिमन्यु, तुमने आज जो किया तुम्हारी पत्नी होने पर गर्व है मुझे, सो प्राउड ऑफ यू। घर चले। अभिमन्यु, तुम्हारे इस फैसले में मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन क्या परिवार वाले मां को फिर से अपनाएंगे? उन्हें अपनाना होगा नहीं थी,
वरना मुझे खुद ही नहीं मुन्ना। आप चलिए मेरे साथ। भगवान झूठ ना बुलाए, बेशर्मी की भी हद होती है कुछ लोगों में। किसी और को मारना है क्या जो आप वापस आ गई हैं? अरे मां नहीं है तुम्हारी, जो इसने किया ना वो तो कोई सौतेली मां भी नहीं करती है। तो इसने तुझे मारने की कोशिश की और तुम्हारा बाप अटबरा कर दिया उसे और तू फिर उसे आ गया। दादी मां, जो गलती मां ने की आज वही गलती अनजाने में अगर मैं कर देता तो आप सब भी मुझे घर से बाहर निकाल देते, नहीं ना? बच्चा समझकर माफ कर देते। जब बच्चे गलती करते हैं तो मां उन्हें डांटती है, मारती है, पर कभी छोड़कर नहीं जाती। तो आज एक बेटा अपनी मां को कैसे छोड़ दे? यदि मेरी मां के लिए इस घर में जगह नहीं तो मुझे नहीं रहना इस घर में। नहीं, चलो मां। अभी मनु, ये औरत दया के लायक नहीं है। बिल्कुल, इस औरत पे फिर से विश्वास करना बेवकूफी होगी मुन्ना। नहीं मामी जी, प्यार बेवकूफी नहीं होती। मैं मानती हूँ आप सब माँ से नाराज हैं क्योंकि एक माँ ने अपने बेटे के साथ गलत किया, लेकिन उसी बेटे ने अपनी माँ को माफ कर दिया है, इसे ही प्यार कहते हैं। प्यार ही अपनों की बड़ी से बड़ी गलती को माफ करने की ताकत देता है। अरे नियति, ये तो बावला हो गया है, तुम कैसे भूल गई कल हमारा मुन्ना मरते मरते बचा है। लेकिन दादी, कल जो भी हुआ उसकी वजह से अभिमन्यु की स्प्लिट पर्सनालिटी की प्रॉब्लम ठीक भी हुई है। नियति, क्या मैं ठीक हो गया हूँ? हाँ अभिमन्यु, ऐसा लग रहा है कि तुम रिकवर कर रहे हो। बस कुछ टेस्ट करवाने बाकी हैं कंफर्मेशन के लिए। देखो, तुम्हें जब भी अटैक आता है तुम सारी बातें भूल जाते थे, स्पेशली जब तुम्हारी बच्चे वाली पर्सनालिटी टेक ओवर करती है तुम्हें। लेकिन कल रात जो भी हुआ तुम्हें सब याद है। ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। मुझे याद है। सुना बुआ, सुना आपने? मामी, सुना आपने? हाँ मुन्ना। दादी, सुना अपने में ठीक हो रहा हूँ। आप ही कहती थी ना, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, तो देखो कल रात को मेरे भगवान ने मुझे ठीक कर दिया। अब मेरी माँ यहीं रहेगी, इसी घर में। चलो माँ। अरे तू तो मुंह में अंधा हो गया है, लेकिन हमसे आंखों देखी मक्खी नहीं निकली जाएगी। अरे हमसे कोई उम्मीद नहीं रखना, समझे हो? देर हो गई। अब नियति, तुम माँ के लिए खाना लगवा दो, माँ ने कल रात से कुछ खाया नहीं होगा, है ना माँ? माँ, जब तक आप ये कुकीज खा लीजिए, कैशू वाले कुकी है, आपकी फेवरेट है ना, लीजिए खा लीजिए ना। तू क्यों इतना अच्छा है मुन्ना? तुम मुझसे कुछ कहना, मुझसे नाराज हो, मुझे जो मन में आए बोल दे, मुझसे नफरत कर मुन्ना। सिर्फ नफरत के लायक हूँ, नफरत कर। पर मैं कैसे करूं,
मुझे नफरत करना आता ही नहीं है. वो क्या है ना कि मेरी मैया ने मुझे केवल प्यार करना सिखाया बस. लगता है सारी नफरत भगवान ने अंगद में ही भर दी है. 1.5 साल पहले मिला था मुझसे, बहुत नफरत करता है मुन्ना मुझसे. अपने बेटे के प्यार में ऐसी अंधी हो गई कि वो जो कहता चला गया मैं करती चली गई ताकि वो मुझसे दूर ना जाए. लेकिन मैं तुझसे दूर हो गई. अंगद तुझे बहुत तकलीफ देना चाहता था उसकी बदकिस्मती से. मुन्ना मैंने तुझे कभी मारना नहीं चाहा बेटा, कभी भी नहीं. लेकिन मैंने अंगद को बहुत समझाया, वो नहीं समझा. और अपने बेटे के अंधे मोह में मैं वो कर बैठी जो मुझे नहीं करना चाहिए था मुन्ना. शांत हो जाओ. घर वाले मुझे कभी माफ नहीं करेंगे. मैं तेरे कहने पर यहाँ आई हूँ, पर अब मुझे जाने दे. मुझे जाने दे मुन्ना, मुझे जाने दे. माँ, आप चली जाओगी तो मैं तो ऐसे मर जाऊंगा. और आप चाहती हो कि मैं नहीं मुन्ना, नहीं. नियति, तुम जानती हो कल क्या है? अरे कल माँ का हैप्पी बर्थडे है. और इस बार भी हम माँ का बर्थडे हर साल की तरह बड़े धूमधाम से मनाएंगे. नहीं मुन्ना, नहीं. और कल आपका ये बेटा आपके दूसरे बेटे को लेकर आएगा इस घर में आपके लिए. तू उसके पास नहीं जाएगा, वो तुझे मार डालेगा बेटा. नहीं 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 मुन्ना, नहीं. उसमें सिर्फ नफरत भरी है मुन्ना. आह माँ, वो क्या है ना कि नफरत को है ना केवल एक चीज मार सकती है, और वो है प्यार. और प्यार तो मेरे अंदर होलसेल में भरा पड़ा है. आप तो जानती हो, और वो भी आपकी वजह से. अब कल देखना माँ आप कि उसकी नफरत जीतती है कि मेरा प्यार. मैं उसको आपके पास कल लेकर ही आऊंगा, चाहे जो कुछ हो जाए. अब बस ये बताओ कि मेरा भाई है कहां पर. क्या ये? चूड़ियां? तो बचपन से पसंद है ना चूड़ियां? तुम्हें इतनी पुरानी बात याद है? मुझे सब याद है. कैसे तुम छोटी माँ को बोलती थी ना मेरे लिए लाल चूड़ियां लेके आना, है ना? कोई भी मार्केट जाता था उससे जिद करती थी मुझे लाल चूड़ियां चाहिए. पर आज से ये ड्यूटी मेरी है. कितनी ब्यूटीफुल है ये. हो गई. अब मेरी पसंद की हर चीज ब्यूटीफुल होती है. मैं चीज हूँ? अरे हेलो, मैं तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रहा था. हाँ वो बात अलग है कि तुम्हें खुद को ब्यूटीफुल बोलना हो तो बोल सकती हो. हाँ
कितने बुरे हो तुम। अच्छा एक बात सुनो, नाराज होने से पहले मेरी एक बात सुन लो। पता है इन चूड़ियों का एक और फायदा है? बताओ क्या? क्या? देखो कभी हम आपस में लड़ लें या फिर हमारे बीच में बातचीत बंद हो जाए, वैसे होगा नहीं ऐसा, पर कभी ऐसा हो जाए समझ लो, तो तुम्हें ना इन चूड़ियों को खन खना देना और अपना गुस्सा जाहिर कर देना। अभिमन्यु, अब से लड़ाई करना, बातचीत बंद करना नॉट अलाउड। मुझे कभी भी तुमसे दूर नहीं जाना है। मैं तुम्हें जाने भी नहीं दूंगा। पर अभी मुझे जाना होगा, माँ से किया हुआ वादा पूरा करना, अंगद को घर लेकर आना है। अभी मनु मत जाओ, माँ ने भी मना किया है ना, मुझे डर लग रहा है कहीं अंगद हमारी जिंदगी में कोई नया तूफान ना ले आए। हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, सिवाय इसके कि वो तुम्हें जिंदा नहीं देखना चाहता, वो नफरत करता है तुमसे। कहीं उसके यहाँ आ जाने से जो संभला हुआ है वो फिर से ना टूट जाए। कोई भी तूफान अब हमें नहीं तोड़ पाएगा नियति, भरोसा करती हो? खुद से ज्यादा। तो भरोसा करो, मैं कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। और एक वादा करो मुझसे, तुम प्लीज माँ का ध्यान रखना। वो कहना कि हमारे परिवार वाले बहुत नाराज है माँ से। माँ की चिंता मत करो, मैं उनका ख्याल रखूंगी। थैंक यू नियति, मेरा साथ देने के लिए। अब एक गलत चीज को और ठीक करना है। चलता हूँ नियति, माँ का वादा पूरा करना है और अपने भाई को लेकर ही लौटूंगा मैं। अभिमन्यु, पता नहीं मेरा मन घबरा रहा है कि अभिमन्यु जा रहा है अकेले, भगवान रक्षा करना इसकी कि वो सही सलामत घर आए अंगद को लेकर। भगवान झूठ ना बुलाए, पर ये ना औरत मनोरमा बड़ी ठेठ निकली, कल जिसकी जान ले रही थी आज उससे ही जन्मदिन की तैयारी करवा रही है नॉन स्टॉप में। वाह, मतलब यहां घर पे इतना कुछ हो गया और आप लोग खड़े होकर एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं। मामा जी तो पैरालिसिस अटैक की वजह से बेबस थे, लेकिन आप तो कुछ कर सकती थी ना। अरे मुन्ना किसी की सुने तब ना। वो मुझसे नहीं हो पाएगा बेटा, ये घर आपका ही है और मैं हूं ना आपके साथ। मैंने अभिमन्यु से वादा किया है कि आपके साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी। किस मिट्टी की बनी हो तो? मुन्ना तो मेरा बेटा है, पर तुमने तुमने मुझे क्यों माफ कर दिया? अपने स्वार्थ के लिए, जैसे मुन्ना को अपनी माँ की जरूरत है वैसे ही मुझे अपनी सास की जरूरत है। माँ,
जो भी हुआ उसे बदल नहीं सकते, लेकिन अब आपके पास एक मौका है सौतेले शब्द के मायने बदलने का। इसे हमेशा एक गाली की तरह इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आप अपने मुन्ना के लिए इसका अर्थ बदल दीजिए ना। अभिमन्यु आपके प्यार का सबसे बड़ा हकदार है। देखिए ना, वो आपके बेटे को लाने चला गया सिर्फ और सिर्फ आपकी खुशी के लिए, ये जानते हुए भी कि अंगद ने कितनी बार उसकी जान लेने की कोशिश की है।